प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देव दीपावली के मौके पर काशी जा रहे हैं। वाराणसी सिर्फ मोदी का संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के शब्दों में काशी उनके रोम रोम में बसे आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक प्रेरणा है। देव दीपावली के मौके पर आज काशी किसी पौराणिक देवलोक जैसा नजर आने वाला है। इसके लिए तैयारियां भी इतनी शानदार की गई हैं कि दीपदान के वक्त काशी की रौनक पूरी दुनिया देखेगी। आज इस खास मौके पर गंगा किनारे के दोनों छोर पर करीब 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी खुद राजघाट पर दीपदान भी करेंगे। इंडिया टीवी आपको एक साथ ये कई तस्वीरें दिखा रहा है और बता रहे हैं उस पूरे दौरे के बारे में, जिसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करेंगे। और विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसका वो पूरा दौरा करेंगे। 15 लाख दीप से जगमगाएगा काशी, और देव दीपावली में काशी में प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी वहाँ के लोगों को लिए भी आज का ये पर्व बेहद खास बना रही है। और 6 लेन वाले हाईवे का लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही सारनाथ में लाइट और साउंड शो भी प्रधानमंत्री देखेंगे। प्रधानमंत्री आज काशी में हैं। दोपहर आपको बता दें 2:05 पर प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। ये हम आपको अब उनके पूरे कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से खजूरी भी जाएंगे, जहां पर 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री राजा तालाब हंदिया प्रयागराज हाईवे का उद्घाटन करेंगे। खजूरी गांव में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद डोमरी हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर राजघाट जाएंगे। राजघाट पर शाम 5 बजे दीपदान का कार्यक्रम है और पहली बार गंगा किनारे दोनों छोर पर दिए जगमगाएंगे। दीपदान महोत्सव में 11 लाख दिए जलेंगे। आज दीपदान के ही बाद प्रधानमंत्री क्रूज से ललिता घाट भी जाएंगे और फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लेंगे। ललिता घाट से वो क्रूज से रविदास घाट जाएंगे और रविदास घाट से सड़क मार्ग से सारनाथ पहुंचेंगे, जहां वो लाइट और साउंड सिस्टम का दीदार भी करेंगे। सारनाथ से ही वापस लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। रात 8:50 का वक्त है जब वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम हमने आपको प्रधानमंत्री का बताया और आज का ये पर्व किस तरह से खास है। प्रधानमंत्री आज काशी में ऐतिहासिक देव दीपावली के खुद गवाह बन रहे हैं और खुद वो दीपदान भी करेंगे। लाखों दियों से रोशन होगी आज काशी। काशी के घाटों को करीब से खुद प्रधानमंत्री रोशन होते हुए देखेंगे। काशी में देव दीपावली की तैयारियां कैसी हैं, इसकी एक झलक इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। देव दीपावली के लिए काशी सचकर तैयार हो रही है। काशी के जो 84 घाट हैं, यहां इस बार करीब 15 लाख दिए जलेंगे और इस मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिया जलाएंगे। ये सारे घाट देखिए सच के तैयार हो रहे हैं, फूलों से सजाया जा रहा है। करीब 50 टन फूल यहाँ पे लाए गए हैं और जो देव दीपावली है उसका खासा महत्व है काशी में। ऐसा कहा जाता है कि काशी में देवता लोग दिवाली मनाने आते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ऐसे कहा जाता है कि असुर था त्रिपुरासुर, जिसने देवताओं को परेशान कर रखा था। देवताओं ने भगवान शिव से कहा और शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस असुर का नाश किया और देवताओं ने खुश होकर कार्तिक पूर्णिमा मनाई। और उसी कार्तिक पूर्णिमा में आज भी वाराणसी के घाटों पे दिए जलाए जाते हैं। किस तरह की तैयारी इस बार हो रही है और ये कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? कार्तिक पूर्णिमा का ही महत्व है कि यदि एक माह यदि आप कार्तिक में स्नान न करें और पूर्णिमा के दिन स्नान दान कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है। देव दीपावली का और देव दीपावली का देवताओं की दीपावली है। इसके पूर्व जो है अभी 15 दिन पहले जो हुआ है वो नर दीपावली हम कहते हैं, माने मनुष्यों के लिए था, यह देवताओं के लिए है। इसमें देवता लोगों के प्रति जो है समर्पण होना चाहिए और दिया जलाना चाहिए और पूजन अर्चन करना चाहिए। हम देख रहे हैं पूरा बनारस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, किस तरह की खास तैयारियां इस बार देखने को मिलेंगी? इस बार हम लोग दिए से सारे की इस घाटों पे, मतलब जो प्रमुख घाट इस पार और उस पार दोनों जगहों पे हम लोग दिए सजा रहे हैं। करीब 15 लाख दिए दोनों घाटों को मतलब मिला के इस पार उस पार मिला करके सजाया जाएगा। और आप सजावट ये देख रहे होंगे पूरे फूलों से और दियों से सारी चीज़ें सजावटें होंगी आपकी बार। और घाटों को अलग अलग थीम पे सजा रहे हैं? जी हाँ, और वो लेजर शो के थ्रू उसका शो भी हो रहा है, एक वो हो रहा है, उसके बाद दिए से सजावट हो रही है।
तो प्रधानमंत्री मोदी राजघाट से रविदास घाट तक जाएंगे, देव दीपावली देखेंगे और आगे घाट पे लेजर शो भी होगा, उसको भी देखेंगे। तो इस तरह से एक अलग नज़ारा इस बार काशी में देव दीपावली पर देखने को मिलेगा। काशी के इस तरफ जो घाट है, 84 घाट, वहाँ भी दिए जलेंगे। तो नदी के पार जो आपको रेत वाला इलाका दिख रहा है, वहाँ जितने भी मठ मंदिर हैं वहाँ भी कल दिए जगमगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी मुआयना करेंगे। इस कॉरिडोर को अगले साल तक पूरा होना है, ऐसे में प्रधानमंत्री इसके कामकाज को करीब से देखेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से रुचि कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी का ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ बन रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब 50,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा कॉरिडोर बनके तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसको देखने आएंगे कि जहाँ पे शिलान्यास किया था उसके बाद क्या क्या काम यहाँ पर हो गया। तो पूरा जो मंदिर परिसर है, हम जब पहले यहाँ पर आते थे तो पतली पतली गलियाँ हमें मिलती थी, उसमें घर थे, अब सारे घरों को सरकार ने एक्वायर कर दिया है, ज़मीन समतल कर दी गई है और इन घरों के अंदर से 64 पुराने प्राचीन मंदिर यहाँ पे निकले हैं। तो ये पूरा कॉरिडोर किस तरह का बनेगा, ये जो कॉरिडोर है, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये मंदिर चौक है, और किस किस तरह का कॉरिडोर में क्या क्या चीज़ बनाएंगे आप? देखिए मैडम, कुल हमारी 26 बिल्डिंग्स उसमें बनने का प्रस्ताव है, प्रदान किया गया है। आप इस तरफ देख रही होंगे, ये हमारा मंदिर परिसर है, मंदिर सटा हुआ, उसके बाद मंदिर चौक है, फिर उसके आगे मुमुक्षु भवन है और भोगशाला है। इसी प्रकार से ढेर सारी जो है बिल्डिंग्स यहाँ पर बनने का प्रावधान है। जैसे ये जो पूरा कॉरिडोर बनाया, इसके पीछे क्या सोच है कि जो श्रद्धालु आए वो किस तरह से जाके मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाए? जैसा कि आप पहले भी शायद इसको देख चुके होंगे, ये चारों तरफ से जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से घिरा हुआ क्षेत्र था। देश विदेश के यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते थे, तो उनकी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनका जो है नितांत अभाव था यहाँ पर, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये परियोजना जो है यहाँ पर लाई गई है। और उस परियोजना के तहत श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए जो भी उनको सुविधाएं चाहिए, वो सारी प्रकार की सुविधाएं पूजा पाठ से लेकर के खान पान तक लेकर के सुरक्षा को लेकर के सारे प्रकार की सुविधाएं यहाँ देने का प्रयास किया गया है। ये कब तक पूरा कॉरिडोर बनके तैयार हो जाएगा? ये जो हम लोगों का लक्ष्य है, ये अगस्त 2021 में हम इसका जो है उद्घाटन करेंगे। तो इसमें आप राजस्थान के पत्थर लगा रहे हैं पूरे मंदिर में? हाँ, राजस्थान के पत्थर हैं, चुनार के पत्थर हैं, इसमें दो प्रकार के, जो एक लाल बलुआ पत्थर लग रहा है और बाकी संगमरमर का काम जो है पत्थरों में किया जा रहा है। जैसे जो मंदिर श्रद्धालु आते हैं तो अब उनके लिए ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, आके वो गंगा जी में डुबकी लगाएं और आके। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यहाँ पर जो है दो प्रकार से, एक तो रोड से आने के लिए रास्ता, ये गेट नंबर 4 से जो है पूरा भव्य बनाया जा रहा है, एक तो रोड के लिए ये रहेगा। दूसरा रास्ता हमारा जो है ललिता घाट पर है, जो हम एक जट्टी का निर्माण कर रहे हैं, एक अच्छी जट्टी होगी, वहाँ पर जल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु आएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर के सीधे पूरे हमारे जो एक मंदिरों का जो एक संकुल बन रहा है, उस संकुल में पूरा दर्शन करते हुए हमारे मंदिर तक आकर के जो है दर्शन लाभ कर सकेंगे, उनको अच्छा लगेगा। जो पुराने यहाँ पे मकान थे, गलियों में दुकानें खुली हुई थी, उसके अंदर से बहुत ही प्राचीन मंदिर निकले हैं, तो उनको भी आप रेस्टोर कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, आपने सही कहा, हमारे पास जो भी जितने भी मंदिर निकले हुए हैं तमाम इसमें भवनों के अंदर से निकले हैं, जिनको हम पहले नहीं देख पाते थे। यहाँ तक हम लोगों ने जब ड्रोन सर्वे कराया था तब भी तमाम मंदिर ऐसे थे जिनको नहीं देख पाते थे। जब हमारे मकान हटाए गए, उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे मंदिर मिले हैं, उन सारे मंदिरों को हम वहीं पर स्थापित कर ही हैं, वो सब उनका जो है हम लोग जीर्णोद्धार करते हुए अच्छे से उनको जिस मटेरियल के बने हुए उसी मटेरियल से उनको सुसज्जित कराएंगे। इस तरह से पूरी तैयारी है कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, गंगा जी में डुबकी लगाएं और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आके मंदिर में दर्शन कर लें। तो इस तरह से देखिए पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये मंदिर चौक है, इसके पीछे ये मंदिर दिखाई दे रहा है जो प्राचीन मंदिर है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पे मुमुक्षु भवन बना रहे हैं, यात्री निवास बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे वो टिकेंगे, भोजनालय बन रहा है। तो इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन के श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है। और इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद गंगा से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक कैसी दिखेगी काशी, रुचि कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए।
वाराणसी का ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री इस कॉरिडोर में जो काम हुआ है उसे देखने आ रहे हैं। चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ जो मकान थे उनको सरकार ने एक्वायर किया है, उनको तोड़ा गया है। अंदर से यहाँ 64 मंदिर निकले हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन थे। बहुत सुंदर मंदिर घरों के अंदर बंद हो गए थे, लेकिन अब जब ये कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो वो मंदिर बाहर आ गए हैं। कुछ इस तरह का कॉरिडोर दिखाई देगा। ये गंगा जी है, यहाँ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे और उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स में अंदर आएंगे तो आप देखेंगे जो लाल आपको रंग से दिखाई दे रहा है ये सब पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जो मंदिर हैं जिनको गिराया नहीं गया है उनको रेस्टोर किया गया है। तो जब अंदर आएंगे तो ये कल्चरल सेंटर सबसे पहले उनको मिलेगा, ये यात्री सुविधा केंद्र मिलेगा, फिर जो लाइब्रेरी यहाँ पुरानी है उसको रखा गया है वो लाइब्रेरी है, उसके बाद ये वैदिक केंद्र है, ये मल्टीपर्पज हॉल है, ये वाराणसी गैलरी है, इसमें वाराणसी की चीज़ों को रखा जाएगा और ये सारे जितने छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये शिव टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, ये सारे वो मंदिर हैं जो यहाँ घरों में छुपे हुए थे। तो फिर ये जो आपको ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसमें सिटी म्यूजियम होगा, इसमें मोमोक्षु भवन होगा क्योंकि काशी में बहुत सारे लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये स्पिरिचुअल बुक स्टोर होगा और आप जब ये नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे जो मंदिर चौक है इसमें ऊपर गेस्ट हाउस बनाया जाएगा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, और इस मंदिर चौक के बाद ये मंदिर कॉम्प्लेक्स होगा, मंदिर परिसर होगा। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ये जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है ये काशी विश्वनाथ मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत आस्था है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो यात्री सुविधा केंद्र है, भोगशाला है, तो इस तरह से इस पूरा जो कॉरिडोर है उसमें श्रद्धालुओं की सारी सुविधाओं का ध्यान रखकर इसको बनाया जा रहा है कि श्रद्धालु आएँ गंगा जी में डुबकी लगाएँ और जाके दर्शन करें और उसके बाद फिर गंगा जी के रास्ते चले जाएँ, क्योंकि बनारस गलियों का शहर कहा जाता है। बहुत पतली पतली गलियों से श्रद्धालुओं को आना पड़ता था, काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि सावन और शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती है श्रद्धालु की। तो ये जब कॉरिडोर बन जाएगा तो ये श्रद्धालुओं को जो दिक्कत होती थी दर्शन में वो दूर हो जाएगी। और प्रधानमंत्री आज गंगा घाट पर लेजर शो भी देखेंगे। ये लेजर शो कैसा होगा इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी देव दीपावली पर वाराणसी आएंगे तो बनारस के ये जो घाट दिखाई दे रहे हैं इन घाटों पे और गंगा जी के दूसरी तरफ 15 लाख से ज्यादा दिए जलेंगे और इस सुंदरता को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बजरे पे सवार होंगे, गंगा की लहरों से जो घाट की सुंदरता है वो देखेंगे। तो ये पूरे घाटों पे दिए जलेंगे। ये चेत सिंह का किला है, चेत सिंह घाट है, यहाँ पे लेजर शो रखा गया है जिसको बजरे से प्रधानमंत्री देखेंगे। और ये देखिए शिव, क्योंकि काशी शिव की नगरी है तो लेजर शो शिव पर आधारित है। ये बताइए ये जो लेजर शो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? शिव जी क्योंकि नगरी काशी है तो क्या चीज दिखाएंगे आप भगवान शिव? यहाँ पे यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूपी से ये लेजर शो हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और इसमें यहाँ पे हमारा अराउंड 500 लेजर्स लगी हैं एंड यहाँ पे शिवजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरा म्यूजिकल वो होगा। अभी आपने देखा भी था, म्यूजिकल लेजर शो होगा विद ऑल स्मोक एंड ऑल। तो ये दिखाएंगे, इसमें शिव थीम पे है पूरा। कहाँ से पीएम मोदी देखेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस राइट साइड से अवलोकन किया जाएगा इसका शो का, करीब हमारा 10-12 मिनट का ये शो है। तो इसमें शिव जी का क्या चीज दिखाई गई है? म्यूजिकल उस पे है, लेजर्स के साथ एक ये नया तरीका एक यहाँ पे किया गया है, प्रयास किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसा हम लोगों ने एक बार पहले अयोध्या में दीपोत्सव में भी किया था, ये थोड़ा इसका लार्जर वर्जन है उसका। तो ये जो घाट आपको बनारस के दिखाई दे रहे हैं ये चेत सिंह किला है और प्रधानमंत्री मोदी का जो बजरा है वो यहाँ करीब 12 मिनट रुकेगा और जो 12 मिनट का लेजर शो है उसका आनंद पीएम मोदी अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बजरे पे बैठ के लेंगे। तो यहाँ जो जनता है उसको बहुत इंतज़ार है इस लेजर शो का और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। और जब देव दीपावली पर 15 लाख से ज़्यादा दिए जलेंगे तो इन घाटों की सुंदरता क्या होगी इसे समझा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी को प्रयागराज से जोड़ने वाले 6-लेन हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। इस हाईवे से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से प्रयागराज जाने और आने वालों को एक बड़ा तोहफा देंगे। ये जो सड़क सामने है ये 73 किलोमीटर लंबी है काशी से प्रयागराज जाने के लिए। पहले ये 4-लेन हुआ करती थी,
अब इसे 6 लेन कर दिया गया है 2447 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस सड़क की कई खास बातें हैं। ये सड़क जो है, इसमें पहले जब हम यहाँ से गुजरते थे तो बहुत जाम लगा रहता था, लेकिन अब इसमें 5 बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं, 10 गाड़ियों के लिए अंडरपास बनाए गए हैं, 12 पैदल अंडरपास बनाए गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो सड़क पे चलेगा, एक तो उसको जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में जो छोटे छोटे कस्बे थे उसकी वजह से जाम काफ़ी लगता था, लोगों को प्रयागराज से काशी आने और जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन ये देखिए, सभा का स्थल है ये खजूरी जगह है, राजा तालाब की वाराणसी, और यहाँ 5,000 लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना का काल है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है, और साथ में जो लोग भी आएंगे उनके पास पास होना जरूरी होगा और साथ में मास्क भी जरूरी होगा। कोरोना की वजह से ही काशी के पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के काशी आने से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हालात में सुधार की भी उम्मीद है। देव दीपावली हर साल होती है, इस साल किस तरह से ये खास होने वाली है? इस बार देव दीपावली हम लोग के लिए उतनी खास नहीं है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर एकदम पूरा चला गया है और जो भी बुकिंग आने वाली थी अभी तक आया नहीं है। तो हम लोग मोदी जी का इसलिए भी वेट कर रहे हैं कि उनके आने के बाद कम से कम टूरिज्म बढ़ना शुरू हो जाए बनारस में, तो इसलिए उनको वार्म वेलकम के लिए हम लोग पहले से कर रहे हैं। एटलीस्ट एक मैसेज तो जाएगा ही वर्ल्ड वाइड कि वी आर रेडी टू वेलकम फॉर देम, और वाराणसी सुरक्षित है। पीएम और सीएम के आने से एक मैसेज जाता है वर्ल्ड को, और सारी दुनिया हमारा देव दीपावली का आयोजन देखेगी। देव दीपावली एक अद्भुत त्यौहार है, यहाँ पर हम लोग मनाते हैं और बहुत सारे पर्यटक आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल जो है कि ये जो कोविड की वजह से टूरिस्ट तो नहीं दिखेंगे, लेकिन लोकल लोग और जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उससे लोग आएंगे और देव दीपावली का आनंद लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी 4 चांद लग चुका है, और उनके वेलकम के लिए हम लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे, कोई ट्रैवल एजेंट हैं, कोई गाइड है, कोई होटेलियर है, तो हम उनके वेलकम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी काशी सुरक्षित है, टूरिज्म फिर से यहाँ पर पनपेगा, हम उनके स्वागत में आए हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे, जानेंगे क्या अपने ही घर में हारने वाले हैं ओवैसी।